हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे, लेकिन तीसरा दिन जो है आज हम लोग निकल रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे काम भी करना है, यू नो, काम करना भी जरूरी है, वरना रोटी कहाँ से खाएंगे। वहाँ का नज़ारा एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये टोटली क्लाउड जो है नीचे आ रखे हैं। यहाँ से आम तोड़ के ले जाएंगे, इसका अचार बनाएंगे घर पे। तो बारिश फिर से शुरू हो गई है, अब नहाने का प्लान हुआ कैंसिल और मैं ब्रश करके आ गया वापस। बारिश जो है हमें लगता जाने नहीं देगी। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, बहुत टेस्टी। उसकी गाँव के ना, मतलब स्वाद ही अलग हो जाता। पता नहीं पानी में स्वाद होता है या मसालों में, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी। उसकी यहाँ आए हैं, भूमि पूजन हो रहा है यहाँ पे। तिलक कर्णम भद्रमक्षु महालक्ष्मी शिवम चाक्षु प्रसन्नामा संप्रभो। यहाँ पे हो रहा था भूमि पूजन, हम लोगों ने मथा वगैरह टेक लिया है, अब चंडीगढ़ के लिए निकलते हैं। नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके थे पहले। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये प्रसाद आया। ये भूमि पूजन के बाद जो है ये बनता है हमारे गाँव में। ये है पू और ये है सै, ये पत्ते में सर्व किया जाता। अब हम लोगों की टिका बटाई भी हो चुकी है और हम लोग चंडीगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। ये पैसे कहाँ से मिले इतने? हम लोग फिर आए हैं भद्रोसान की मार्केट में, कुछ सामान लेने आए थे स्पेशल, क्योंकि चंडीगढ़ जा रहे हैं तो स्पेशली हम लोग यहाँ से ये मूली लेके जा रहे हैं पहाड़ी, और ये पहाड़ी खीरा, काखड़ बोलते हैं इसको। गाइज, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेट, देख सकते हैं आप लोग मेरे सामने हैं बिल्कुल। ये इस रोड पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और बहुत सारे होटल्स भी हैं। गाइज, अभी आते वक्त ना हम लोग अपने साथ दो मेहमान लेके आए थे यहाँ पे, उनको यहाँ रास्ते में छोड़ना था सुंदरखाल में, और मैंने सोचा आप लोगों को ये जगह दिखाऊं। बड़ी सुंदर जगह है, ये भी काफ़ी खुला डुला एरिया है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे आसपास देख सकते हो, और यहाँ से हमने एक चीज़ और लेनी है, वो है कटहल। तो गाइस, हम लोगों के लिए तोड़ा जा रहा है कटहल। आपको चीज दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। क्या है वो बताओ, वो क्या है? एलिफेंट। पता लग गया? हाँ जी, एलिफेंट के सब संग होते हैं। बस यहीं से देखो बेटा, यहीं से देखो, दूर से ही आगे जाओ, ऐसे करो आगे जाके, सिया सिया ऐसे करो आगे जाके, देखो ऐसे, देखो ऐसे ऐसे करो। गाइस, हम लोगों ने यहाँ हाथी भी देख लिया है ना सिया? एलिफेंट क्या है? फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 7:16 और हम लोग अभी रामनगर से आगे निकल चुके हैं, रामनगर से भी आगे और जसपुर के आसपास कहीं पे है ये। और रामनगर में हमने एक थोड़ी देर के लिए स्टे किया था अपने किसी रिलेटिव्स के घर पे, और अब यहाँ रामनगर से निकल के हम लोग यहाँ पे आए हैं इस ढाबे पे। अभी भूख तो नहीं लगी हुई, बट ये है कि इनका मन कर रहा है कुछ खाने का, कि कुछ जैसे मोमोज वगैरह या स्प्रिंग रोल वगैरह, तो हमने कहा यहाँ वेट करके कुछ खा लेते हैं। तो चलिए खाना खाते हैं अंदर, बताते हैं आपको कैसा लगा हमें खाना।
नज़ारा देखने में तो यमी लग रहा, एम्बियंस भी अच्छी है, छतरी भी ऐसी है। इतना तंग करते हैं, इधर चैन से खाना नहीं दे रहा। ये नहीं खाना चाहिए, निकालो क्या है? कागज खा गया ये। तो गाइस आप लोगों के बच्चे भी हैं इतने शरारती, उसे बैठने का टिक के ए, ए, क्या कर रहा है? फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे अब स्नैक्स वगैरह खाए हैं, सोया चाप और पोटैटो बाइट्स, हम लोगों को बहुत अच्छे लगे, बहुत स्वाद था। बाकी अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग डिनर कहाँ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाए हैं, स्नैक्स में हमने खाए हैं हनी चिली पोटैटो और सोया चाप, तो हम लोगों को वो तो बड़ा स्वाद लगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हमें ये भी लगी कि यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और प्लस वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम थे। तो अगर हाईवेज वगैरह में आप जब ट्रैवल करते हो तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। गाइस अगर आप लोग कुमाऊँ से या गढ़वाल से आ रहे हो तो हरिद्वार वाला जो रास्ता है उसको अवॉइड करो, बहुत ज़्यादा रश है, बड़ी मुश्किल से निकलेंगे वहाँ से, अभी बहुत ही ज़्यादा रश है। हमें यहाँ पे एक पता नहीं क्या दुकान का नाम, शिवा टीवी तुम्हारे ढाबा, यहाँ पे आया हूँ। अब मैंने कहा अब रात का डिनर करते हैं, और जो डिनर हमारा हो रहा है वो हो रहा है 12:30 के आसपास। फ्रेंड्स मैंने खाए यहाँ पे गोभी के परौंठे, और परौंठे मुझे इतने स्वाद लगे, बहुत ज़्यादा स्वाद थे। और ये जो जगह है ये है छुटमुलपुर मेन हाईवे, नेशनल हाईवे, और परौंठा 70 रुपये का एक परौंठा है, लेकिन वेरी ऑसम, खा के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ट्राई जरूर कीजिएगा। हाय अब मुझे लगता है मुझे गाड़ी में सो जाना चाहिए, क्योंकि रात के 1:30 बज चुके हैं। अब मैं शायद आधे घंटे की झपकी लूँगा, अदरवाइज़ गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। अभी यहाँ से 2-2.5 घंटे का रह गया मेरा घर, मैक्सिमम 3 घंटे का, ठीक है? तो सोच रहा हूँ आधे घंटे का मैं नैप लेके फिर निकलूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है सुबह के कुछ 4, और हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और इतनी बुरी हालत हुई हमारी, सारी रात भर बारिश थी, सारे रास्ते कुछ भी नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो थी। आज किसी तरह ड्राइव करके मैं घर पहुंच ही गया। चलिए अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज़। Thank you so much.